तो हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अपने चैनल में जिसका नाम है लेट्स हैक दी प्रोग्रामिंग। और मैं अनोनिमस आज आपको ये बताना चाहता हूँ, जैसे हमारा एथिकल हैकिंग का लेक्चर चल रहा था अपने चैनल पे, और जो हमारा दूसरा पार्टनर है जो कि एंटी अनोनिमस, वो भी अपने कालील नेक से रिलेटेड अपने लेक्चर्स इस पे दे रहा था, और प्लस जो सी प्रोग्रामिंग के लेक्चर थे वो भी आपको दे रहा था। तो आज हमने जो अपना 6th लेक्चर इस पे अपलोड कर दिया, अभी 7th लेक्चर है। 7th लेक्चर में आपको क्या बताया जाएगा कि जो हमने वाईफाई को क्रैकिंग मतलब क्रैक कर रहे थे, बट उसे कनेक्ट नहीं हुए थे वाईफाई से, तो हमने बिना उसे कनेक्ट हुए उसके पैकेट स्निफ किए थे, और पैकेट स्निफ करने के बाद जो हमने पैकेट्स अपने काली के अंदर स्टोर किए थे उनको ओपन कहाँ करना है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, हम वाईफाई क्रैकिंग में सीख रहे थे कि हम वाईफाई का पासवर्ड कैसे निकालेंगे, बट पासवर्ड निकालने से पहले एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि हम उस वाईफाई से बिना कनेक्ट हुए जो विक्टम्स या जो पीसी या जो लैपटॉप या जो भी मोबाइल्स हैं उस वाईफाई से कनेक्टेड हैं, हम उनको डिसकनेक्ट कर सकते हैं। मतलब कि हम जैसे हमारे पास एक वाईफाई है, वाईफाई से कोई भी जुड़ा हुआ है, बट हम उस वाईफाई से नहीं जुड़े, बट हमें उनको उस वाईफाई से डिसकनेक्ट करना है विदाउट जो कि पासवर्ड की, कि मतलब हम उस डिवाइस से कनेक्ट नहीं होंगे, बट जो बंदे उससे कनेक्ट हैं हमें उनको डिसकनेक्ट करना है। तो आज आपको इस वीडियो में वो बताया जाएगा कि हम उनको डिसकनेक्ट कैसे करेंगे। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ अपनी सारी चीज़ें कि हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, आप स्क्रीन पे देख सकते हो। स्क्रीन पे देखने के बाद हम चलेंगे अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पर। कंप्यूटर की स्क्रीन पे जाने से पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और, कि हमारा जो एथिकल हैकिंग का सर्टिफिकेट था वो आ चुका है, वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। बट उसके अलावा जैसे आप हमारे एथिकल हैकिंग के लेक्चर देख रहे हो हमारे चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और जाते टाइम बेल आइकन को भी प्रेस जरूर करके जाएं, ताकि अगर हम अपनी एथिकल हैकिंग की कोई भी वीडियोज़ अपने चैनल पर अपलोड करते हैं तो उसको नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। तो चलते हैं हम अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पर। तो हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अपने चैनल में जिसका नाम है लेट्स हैक द प्रोग्रामिंग, और मैं हूं एनोनिमस। तो आज हम बात करेंगे जो हमारा प्रीवियस लेक्चर चल रहा था, तो जो हमारा प्रीवियस लेक्चर चल रहा था वाईफाई क्रैकिंग को लेके, वाईफाई क्रैकिंग में हमने अब तक क्या किया था कि हमने पैकेट स्निफ किए थे, और पैकेट स्निफ करने के बाद जो हमारा अब ये 7th लेक्चर रहेगा, 7th लेक्चर में हम क्या करेंगे, तो हमें डी ऑथेंटिकेशन करना है। डी ऑथेंटिकेशन अटैक का मतलब होता है कि हमारे पास एक वाईफाई रहेगा, तो हम उस वाईफाई से कनेक्ट नहीं रहेंगे, बट हमें जो उन वाईफाई से कनेक्टेड है विक्टम क्लाइंट कनेक्टेड है, तो हमें उनको डिसकनेक्ट करना है, तो उसको कहते हैं डी ऑथेंटिकेशन अटैक। मतलब हम उस वाईफाई से कनेक्टेड नहीं रहेंगे, हमें उस वाईफाई की नहीं पता, पासवर्ड की नहीं पता, तो हम उसको पासवर्ड को क्रैक करेंगे इससे अगले नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज हम बात करेंगे कि हम किसी भी वाईफाई को बिना कनेक्ट हुए, जो विक्टम उससे क्लाइंट विक्टम जो भी उससे कनेक्टेड है, फ़ोन पीसी लैपटॉप जो भी उससे कनेक्टेड है, उनको हम डिसकनेक्टेड कर सकते हैं। तो उसको डिसकनेक्टेड करने के लिए हम जाएंगे अपनी काली के अंदर, और काली के अंदर जाने के बाद जो हमारा प्रीवियस लेक्चर में रह गया था कि हमने एक जो पैकेट स्निफ किए थे तो उनको हमें कहाँ ओपन करना है, तो उनको जो हमने पैकेट स्निफ किए थे तो उनको हमने सिंपली ओपन करना है जो हमारा रहेगा, जैसे कि हमने रूट में उसको सेव किया था प्रोग्राम की फाइल से, तो हमारी ये फाइल थी, इसको हम कहाँ ओपन करेंगे, तो इसको हम सिंपली ओपन करेंगे अपनी वायरशार्क के अंदर। तो वायरशार्क रन कराने के लिए टर्मिनेटर के अंदर हमें सिंपली एक कमांड डालनी पड़ेगी वायरशार्क। तो जैसे हम इस कमांड को डालेंगे तो हमारा जो वायरशार्क है वो हमारा ओपन हो जाएगा। तो हमें इसको ओपन करने के बाद क्या करना है, हमें फाइल पे क्लिक करना है, फाइल पे क्लिक करने के बाद ओपन, और ओपन जो हमारी ये फाइल थी .cap एक्सटेंशन के नाम से, इसको हम ओपन कर देंगे। तो इसको ओपन करने के बाद जो हमने पैकेट स्निफ किए थे उनका डाटा हमारे पास शो हो जाएगा। IPv6 802.11 प्रोटोकॉल्स का यूज़ किया गया था, टाइम यहाँ पे आ जाएगा, सोर्स हमें मिल जाएगा कौन से मैक एड्रेस से, मतलब हमें यहाँ पे सब मिल जाएगा। और इन पैकेट्स के अंदर हो सकता है कि आपके पास जीमेल फेसबुक का पासवर्ड भी मिल सके, जो अगर उस टाइम बंदे ने उस वाईफाई से कनेक्ट होने के बाद अगर अपनी जीमेल या फेसबुक भी ओपन की होगी, तो चांसेस है कि आपको उनके जीमेल वगैरह के भी पासवर्ड मिल सके, तो इसको आगे और तो आपको मिल सकते हैं। तो इस चीज़ को थोड़ा और आगे पढ़ने के लिए हमारा कोर्स देखते रहें, इसके बारे में भी आपको नेक्स्ट लेक्चर में बता दिया जाएगा। तो आज हमें क्या करना है, डी ऑथेंटिकेशन अटैक। तो डी ऑथेंटिकेशन अटैक हम कैसे करेंगे, हम जाते हैं सबसे पहले अपने डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप पे जाने के बाद हम करेंगे
टर्मिनल टर्मिनेटर को ओपन। टर्मिनेटर को ओपन करने के बाद तो हम सबसे पहले कमांड लाएंगे IW config कमांड लगाने का हमारा मेन मोटिव क्या है कि जो हमारा वायरलेस डिवाइस था उसको हमने मॉनिटर मोड में चेंज किया था। अगर आपने मॉनिटर मोड में चेंज नहीं किया या आपको नहीं पता कि मॉनिटर मोड में कैसे चेंज होगा तो आप प्रीवियस लेक्चर जाके देख सकते हो, आई बटन पे उनका आपको लिंक मिल जाएगा। प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया गया कि आपको इसको मॉनिटर मोड में कैसे चेंज करना है। तो मॉनिटर मोड में चेंज करने के बाद अगर आप यहाँ तक आ चुके हो तो मॉनिटर मोड को चेंज करने के बाद आपने डी ऑथेंटिकेशन अटैक करना है। डी ऑथेंटिकेशन अटैक कैसे होगा तो हम उसको स्टार्ट करते हैं। डी ऑथेंटिकेशन अटैक करने के लिए तो हम एयर डंप एनजी एरोडंप एनजी का हम यूज करेंगे। एरोडंप एनजी यूज करने के बाद अब मैंने आपको बैंड्स के बारे में बताया था कि अगर आपको 2.4 बैंड स्कैन करना है तो उसके लिए एक अलग कमांड है, और अगर 5.1 बैंड आपको स्कैन करना है तो उसकी अलग कमांड है। अगर आपको दोनों ही स्कैन करने हैं कि आपके आसपास 5.1 गीगाहर्ट्ज का वाईफाई है या फिर 2.4 गीगाहर्ट्ज का वाईफाई है तो उसके लिए क्या कमांड रहेगी, सिंपली बैंड और उसके बाद ए बी जी, और हम इसको रन कहाँ पे कराना है, डब्ल्यू लैन जीरो पे। तो हम सिंपली डब्ल्यू लैन जीरो लिख देंगे, मतलब हमें जो हमारा एरोडंप एनजी है उसको हमने रन कराना है। बैंड सिंपली जो हमने ए बी जी लिखा है इसका मतलब होता है 2.4 और 5.1 बैंड को हमने स्कैन कराना है डब्ल्यू लैन जीरो पे। तो हम इसको कराते हैं रन। तो इसको रन कराने के बाद हमारे आसपास जितने भी वायरलेस वाईफाई होंगे तो वो हमें यहाँ पे शो हो जाएंगे। उसके शो होने के बाद जैसे हम देख सकते हैं कि हमारे पास एक यहाँ पे ये डिवाइस शो हुआ है जो कि 4G के नाम से है, जो हमारा 4G के नाम से है, ठीक है। तो ये एक्चुअली में जो वाईफाई है ये मेरा ही है, और हम इसको करते हैं अब क्विट। तो हमें यहाँ पे करना है डी ऑथेंटिकेशन अटैक। तो डी ऑथेंटिकेशन अटैक करने के लिए हमने एक और यहाँ पे ओपन कर लिया है। तो हमें जो ये मैक एड्रेस मिला है इस मैक एड्रेस पे हमने ये देखना है सबसे पहले कि इस मैक एड्रेस पे कितने डिवाइस अभी कनेक्ट हैं। तो उनमें से जो उनसे जिस डिवाइस को हमें डिसकनेक्ट करना है तो हम उसका भी मैक एड्रेस यहाँ पे लिखेंगे, और उसके बाद वो डी ऑथेंटिकेशन हो जाएगा। तो सिंपली हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे एरोडंप, तो एरोडंप एनजी, और हमने एरोडंप एनजी जो प्रोग्राम रन कराना है उसके बाद हमने बीएसएस आईडी दी है इस डिवाइस की जो कि जिसका नाम है 4G। मतलब हमें ये बीएसएस आईडी पे इसको स्कैन कराना है कि इस मैक एड्रेस पे कितने डिवाइसेस अभी, मतलब इस वाईफाई पे कितने डिवाइस अभी कनेक्टेड है। तो ये हमने मैक एड्रेस दे दिया, और चैनल जो कि इसका चैनल था यहाँ पे 4, हमने चैनल 4 दे दिया, और उसको हमने स्कैन करा है डब्ल्यू लैन जीरो पे। तो हम जैसे इसको रन कराएंगे तो हमारा ये प्रोसेस करना स्टार्ट कर देगा, और इसमें आप देख सकते हो हमारे पास सिर्फ ये मैक एड्रेस है। मैक एड्रेस पे अभी जितने डिवाइस इसके इससे कनेक्टेड रहेंगे तो वो हमारे पास यहाँ शो हो जाएंगे। जैसे अभी ये थोड़ा टाइम ले सकता है, तो जैसे कि हमारे पास यहाँ पे शो हो चुका है कि हमारा, जैसे मेरा यहाँ पे एक ही फ़ोन इस जो वाईफाई है इसी वाईफाई से ये मेरा फ़ोन कनेक्ट है। तो हमें इस वाले फ़ोन को डिसकनेक्ट करना है डी ऑथेंटिकेशन अटैक से। तो डी ऑथेंटिकेशन अटैक हमें कैसे करना है, हम यहाँ पे कमांड लगाएंगे एयर रिप्लाई एनजी। तो हमने यहाँ पे कमांड लगाई है एयर रिप्लाई एनजी, और हमें डीट का मतलब है डी ऑथेंटिकेशन अटैक, मतलब हमें डी ऑथेंटिकेट करना है, ठीक है। और उसके बाद हमने सिंपली यहाँ पे वैल्यू डाल दी है, वैल्यू हमें कितनी है। तो वैल्यू कोई ज़रूरी नहीं है कि आप 1000 ही डालें, वैल्यू आप इससे ज़्यादा भी डाल सकते हो। इसका मतलब रहेगा कि आपने इतने टाइम के लिए उसको डिसकनेक्ट रखना है। तो जैसे कि हमें डी ऑथेंटिकेशन करना है यहाँ पर हम वैल्यू डालेंगे, तो वैल्यू डाल दी है हमने। तो आप ज़रूरी नहीं है कि आप भी यही वैल्यू डालें, आप इससे ज़्यादा वैल्यू भी डाल सकते हो। तो हम यहाँ पे 1000 की जगह एक और कर देते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे वैल्यू डाल दी है
ठीक है। वैल्यू डालने के बाद हमें जो हमारी अटैक का मैक एड्रेस रहेगा हाइफन ए के नाम से हमें यहाँ पे डालना है, जो हमारा मैक एड्रेस रहेगा, मैक एड्रेस हमारा ये वाला वाईफाई का रहेगा कि हमें इस वाईफाई से कनेक्टेड है ये वाला डिवाइस, इसको हमने करना है डिसकनेक्ट। तो हमें सिंपली ये मैक एड्रेस हमने यहाँ पे इसको कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट किया है, तो हमने इसको यहाँ पे डाल दिया। इस वाले मैक एड्रेस से हमें इस वाले डिवाइस को डी ऑथेंटिकेट करना है। तो हमारा हाइफन ए का मतलब है अटैक का मैक एड्रेस और हाइफन सी का मतलब है क्लाइंट का मैक एड्रेस। तो हमने अटैक का मैक एड्रेस दे दिया और क्लाइंट का मैक एड्रेस दे दिया, उसको हमने रन कराना है WLAN 0 पे। तो हम इसको रन करते हैं। रन करने के बाद यहाँ पे आप लॉस्ट, तो हम इसको दोबारा एक बार और स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये लॉस्ट कितना ज़्यादा बढ़ गया, मतलब ये अब इस वाईफाई से कनेक्टेड नहीं है, ये इस वाईफाई से डिसकनेक्ट हो गया, इसका सिग्नल लॉस्ट हो रहा है। तो आप देख सकते हो सिग्नल लॉस्टिंग बहुत ज़्यादा है, मतलब ये इससे डिवाइस से डिसकनेक्ट हो चुका है। तो मतलब आज के हमारे इस लेक्चर में क्या रहेगा, डी ऑथेंटिकेशन अटैक मैंने आपको बताया कि हम कैसे करेंगे, डी ऑथेंटिकेशन अटैक के बारे में मैंने आपको समझा दिया। उससे रिलेटेड अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो हमारे फेसबुक के पेज पर आप ज़रूर जाएँ या फिर हमारे इंस्टाग्राम के पेज पर जरूर जाएं। अगर आपको लिंक नहीं मिलता डिस्क्रिप्शन में तो गूगल पे सिंपली सर्च करें लेट्स हैक द प्रोग्रामिंग, आपको फेसबुक का लिंक मिल जाएगा। हमारे फेसबुक के लिंक पे जाके मेरे को एक मैसेज डालें अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस होती है इस चीज़ से रिलेटेड, डी ऑथेंटिकेशन से रिलेटेड या हमारे एथिकल हैकिंग से रिलेटेड कुछ भी आपको प्रॉब्लम है, तो हमारे फेसबुक पेज या इंस्टाग्राम पेज पर जरूर एक बार मैसेज करें, आपको हो सके जल्द से जल्द रिप्लाई जरूर मिलेगा। और हमारे चैनल पर बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और जाते टाइम बेल आइकन को भी एक बार प्रेस करके जरूर जाएं ताकि आपको आने वाले नेक्स्ट लेक्चर की वीडियो जल्दी से जल्दी मिल सके और आपको उनका नोटिफिकेशन भी मिल सके। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊँगा कि वाईफाई क्रैक हमें कैसे करना है।